है, ये तो कच्चा है बेटा, ये तो कच्चा है। और ये बैर गिर रहे हैं। ओ ये लड़का ऊपर चढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं, और उसको हिला रहा है, तो ये इससे बैर जो जो है गिर रहे हैं। ये देखें गिर रहा है, ये गिर गया। देखा केड़ा सदफ, ये सही है, ये सही है। ये देखो ये थोड़ा सा लाल है और ये पका हुआ भी है। और ये बच्चे आप देख सकते हैं खेल रहे हैं, शाम का टाइम है और बेरी से बेर उठा रहे हैं। और यहाँ पे आप मौसम वगैरह भी देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज शाम का टाइम है और हम निकल आए घर मेरे साथ है, शाम का टाइम है इस वक्त, और हमने कहा क्यों ना कि थोड़ा बाहर एंजॉय किया जाए, क्योंकि शाम के मौसम का मज़ा लिया जाए। नल वगैरह भी लगा हुआ है। हम किसी वक्त में यहाँ पे कराची से आते थे तो नहाते थे, मैं यहाँ पे 1.5 साल के बाद आया हूँ अभी। और ये नल वगैरह आप देख सकते हैं, और ये पेड़ वगैरह भी आप देख सकते हैं। और कामरान आज मेरे साथ है, ये मेरा साथी है समझो, ये मैं जहाँ भी होता हूँ गांव में जब भी आता हूँ तो ये मेरे साथ होता है। और यहाँ पे काम वगैरह हो रहा है और फसलें वगैरह आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। और यहाँ पे नल वगैरह लगा हुआ है। अभी यहाँ से पेड़ धोते हैं और पानी पीते हैं। और ये हमीद और कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? गए थे पानी खोलने, जमीन का पानी। हाँ ये दोस्त हमारा आ गया गफार लंगड़ा। आपने आम लंगड़ा सुना होगा लेकिन इस दफा हमारा गफार जो है वो भी लंगड़ा हो गया। और गफार क्या हुआ है? तुम्हें चोट लग गई है। और इस वक्त गफार जो है लंगड़ा थोड़ा घूम रहा है क्योंकि इसको दर्द हो रहा है, पैर में पेन है हल्का सा। और ये भी यहाँ पे भी आ गया है। और ये भी नल से पैर वगैरह धोएंगे। भाई तुम पैर जो है ना फिलहाल अपने ये गीले मत करो क्योंकि इसमें तकलीफ होगी गफार भाई, इसमें तकलीफ होगी, तुम्हारा दर्द अगर बढ़ सकता है इसमें। बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे और ठंडा ठंडा पानी, आप यकीन करें इतना ठंडा है जैसे इसमें बर्फ़ डली हुई है, इतना ठंडा है। और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे गांव में, आप मौसम खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे हरियाली है बहुत। शाम का मौसम है, बहुत ज़बरदस्त एंजॉय हो रहा है। गफार मेरे साथ है, गफार को पैर में चोट लगी है लेकिन फिर भी ये मेहनत मजदूरी कर रहा है क्योंकि ये किसान आदमी है, मेहनत अपनी पूरी रख रहा है। कामरान होटल पर काम करता है, अभी होटल से काम ख़त्म करके ये सीधा मेरे पास आया है। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लोकेशन आ रही है। और यहाँ पे घास वगैरह लग रही है, चावल का जो भी फसल होता है यहाँ पे वो पूरा पहले उगाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकाल के मेन ज़मीन में जहाँ लगती है जैसे वहाँ पे लगा हुआ है फिर वहाँ पे लगाते हैं। पहले ये अलग लगती है फिर इसके बाद तैयार किया जाता है, इसका जब तैयार हो जाता है उधर से निकाल के फिर दूसरी जगह इसको शिफ्ट किया जाता है, तभी चावल की फसल लगती है। हम दूर गए हुए थे, अभी वापस आ गए अपने गांव की तरफ। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये जगह, यहाँ पे मस्जिद वगैरह बन रही है और इसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, और ताकि ये हमारी मस्जिद बन जाए क्योंकि ये हमारे घर के करीब है, तो हम सब ने तावन करना है इसके साथ ताकि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाए ताकि हम यहाँ पर नमाज वगैरह अदा कर सकें। तो ये सिस्टम पूरा बन रहा है। गफार तुम तावन कर रहे हो? इंशाल्लाह। क्या तावन किया है तुमने अभी तक? अभी तक नहीं किया है। मतलब कितना तावन करोगे? क्या 1 लाख दोगे, 1.5 लाख दोगे, 50,000 दो, कितना दोगे? 50,000 खंड, 50,000 खंड देंगे। ये जो है ना गफार 50,000 देगा, सही है, अल्लाह बेहतर होगा क्योंकि ये हमारे घर करीब ही हैं, तो ये मस्जिद वगैरह बन जाएगी तो यहाँ पे बिल्कुल हमें लोकेशन अच्छा सा माहौल यहाँ पे मिलेगा
और कामरान भी फिर नमाज़ हो सकता है शुरू करें, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ी कम पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है मैं भी फिर जो है ना फुल नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूँ। हाँ। तो वाह 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 वाह, सही है ना।